हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निबंध से संबंधित अन्य जो गतिविधियाँ हैं उसकी आज हम बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने निबंध को पढ़ लिया अच्छी तरीके से। निबंध क्या होता है और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम अन्य गतिविधियों को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है रेखाचित्र। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जैसे स्केच, रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और रेखा चित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में जिन्होंने स्थापित किया या जिन्हें स्थापित करने का श्रेय दिया जा सकता है वो है पद्म सिंह शर्मा, और उनकी कृति है पद्म पराग। इसी को पहली एक तरह से स्वतंत्र विधा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। और रेखा चित्र के अंतर्गत साहित्यकार व कलाकार अपनी हृदयगत अनुभूति की अभिव्यक्ति के माध्यम की खोज में लगे रहते हैं। और अभिव्यक्त करने वाला साहित्यकार जब कला के क्षेत्र की रेखाओं का आश्रय लेकर वर्णीय विषय को मूत्र करने लगता है, तब उसे शब्द चित्र या रेखा चित्र नाम दिया जाता है। इसमें डॉक्टर रमेश चंद लावण्या के मतानुसार रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें संक्षिप्त आकार में ही किसी मानव, वस्तु अथवा घटना का रेखांकन इस प्रकार किया जाता है कि विषय सामग्री का चित्र ही साकार होता है, इसलिए इसे रेखा चित्र कहते हैं। और बात जैसे आपने अभी बताया कि रेखा चित्र को जो स्थापित करने का श्रेय है वो पद्म सिंह शर्मा को दिया जाता है, तो उन्हीं से प्रभावित होकर श्री राम शर्मा, हरिशंकर शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी ने भी रेखा चित्र लिखने आरंभ किए। और श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों का प्रथम संग्रह जो है वो है बोलती प्रतिमा, और इस शीर्षक से ये सन 1937 में प्रकाशित हुआ। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें समाज के निम्न वर्गों के पात्रों का सजीव चित्रण किया गया है। अब बात करते हैं रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा का है, और रिपोर्टाज रोचक पत्रकारिता का एक अंग है। समाचार पत्रों के लिए लिखी गई रिपोर्ट की तरह यह भी तथ्यपरक, तत्कालीन और वस्तुनिष्ठ विधा है। रोचकता, उत्सुकता, साहित्यिकता और कलात्मकता उत्तम रिपोर्टाज के गुण हैं। और हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। वस्तुगत तथ्य को रेखा चित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से अंकित करने में ही रिपोर्टाज की सफलता है। यानी कि कह सकते हैं कि आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है कल्पना के आधार पर। यानी कि रिपोर्टाज में जो कुछ भी लिखा जाता है वो सत्य पर आधारित होता है। हिंदी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने गुरुकुल कांकड़ी की रजत जयंती जो कि 1926 में हुआ था पर प्रथम रिपोर्टाज लिखा है। नेक्स्ट है हमारा संस्मरण। संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस स्मरण। इसका अर्थ है कि सम्यक स्मरण, अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति, विशेषतः मृत अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना ही संस्मरण कहलाता है। लेखक अपने निजी अनुभवों को कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करता है, तो कभी घटना, वस्तु या क्रियाकलाप के माध्यम से। ये घटनाएँ या क्रिया व्यापार कभी किसी महान व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं या कभी किसी सामान्य व्यक्ति के साथ। इसमें जीवन यात्रा में बहुत सारे लोगों से मनुष्य जो है वो संपर्क करता है, बहुत सारी घटनाएं उसकी ज़िंदगी में होती हैं, बहुत सारे प्रसंग से भी वो उन्हें उसके ज़िंदगी में आते हैं, तो इन्हीं जो स्मृतियां हैं इन्हें संजो कर ले रख लेता है। और इन्हीं को बाद में वो अपने जब कोई साहित्यकार इसे लिखता है तो अपने व्यक्तिक तौर पर इन्हें एक साहित्य की दृष्टि से पेश करता है। और जब इस तरह की जो बातें हैं साहित्यकार पेश करता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। या यूँ कहूँ कि अनुभव के आधार पर जब वो अपने अनुभव लिखता है, उन्हें अपने जो स्मरणीय जो तथ्य हैं उन्हें लिखता है तो वो संस्मरण के अंतर्गत आते हैं। और संस्मरण शब्द जो है वो अंग्रेजी के मेमायर्स से का पर्यायवाची है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अति विशिष्ट अथवा सामान्य जन होकर भी किसी विशिष्ट गुण से संपन्न व्यक्ति प्राय संस्मरण के विषय बनते हैं।
एक परिभाषा भी देख लेते हैं गुलाब राय के अनुसार कि संस्मरण प्राय घटनात्मक होते हैं किंतु वे घटनाएं सत्य होती हैं और साथ ही चरित्र की परिचायक भी। उनमें थोड़ा चटपनेपन का भी आकर्षण होता रहता है और संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यात्रा वृत्तांत। हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य जो है वो भारतेंदु युग से ही लिखा जा रहा है। स्वयं भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा जो उनकी पत्रिका थी अपनी लखनऊ हरिद्वार बैजनाथ आदि की यात्राओं का प्रकाशन कराया था और उसी युग में बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र भी यात्रा वृत्तांत लिख रहे थे। और यात्रा वृत्तांत होता क्या है? जब लेखक सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर यात्रा करता है और उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्ति करता है तो उसे यात्रा साहित्य ये यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ये आधुनिक युग की विधा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग से लिखे जा रहे हैं। इसमें लेखक उन्हीं क्षणों का वर्णन करता है जिनको वह अनुभूत सत्य के रूप में ग्रहण करता है और मुख्य रूप से भारतेंदु युग के युग को ही यात्रा साहित्य का आरंभ काल माना जा सकता है। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं में यात्रा का अधिक महत्व है। इसके अलावा जो यात्रा वृत्तांत में महत्वपूर्ण नाम आता है वो है राहुल सांस्कृत्यायन का, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक शास्त्र लिख दिया जिसे घुमक्कड़ शास्त्र कहा जाता है और ये घुमक्कड़ी के लिए ही विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे थे राहुल सांस्कृत्यायन। और तो इसीलिए इनका योगदान यात्रा साहित्य में अद्वितीय और अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट है इंटरव्यू। भेंट वार्ता पत्रकारिता की देन है। भेंट वार्ता साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर कमलेश को है। मैं इनसे मिला में उन्होंने 22 व्यक्तियों की भेंट वार्ता को संकलित किया। यहाँ पे इंटरव्यू जो है एक अंग्रेजी शब्द है जबकि उसी का जब हिंदी में कहेंगे तो उसे भेंट वार्ता कहा जाएगा। इसमें डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा के अनुसार इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्राय निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर लेता है। अगला है हास्य व्यंग्य साहित्य। हास्य व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति या इसके आचरण की आलोचना मजाक या गुण की प्रशंसा या विवरण को सीधे सीधे न कहकर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करके व्यक्त किया जाता है। व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्य बाण कहा गया है। इस विधा में सामाजिक विसंगतियों का चित्रण सीधे सीधे यानी कि अभिधा में न होकर परोक्षतः यानी कि व्यंजना के माध्यम से होता है, इसलिए व्यंग्य में मारक क्षमता अधिक होती है। और साथ ही व्यंग्य समाज में व्याप्त विसंगति त्रुटि दुराचार भ्रष्टाचार आदि को देखकर उस पर शब्दों के वजह से करारी चोट करता है और व्यंग्य को किसी एक विधा में अंतर्निहित करके उसे परिभाषित करना संभव नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व तक व्यंग्य को उपदेश या हास्य के प्रभेद के रूप में व्याख्यित किया जाता था किंतु आज व्यंग्य न तो शुद्ध उपदेश ही है और ना ही शुद्ध हास्य। आज व्यंग्य हास्य का पुट लेकर नैतिकता और मानव मूल्य के उल्लंघन के प्रति चेतावनी बनकर तब पथभ्रष्टों के लिए उचित मार्ग का संकेतक बनके अपना पृथक और स्वतंत्र जो अस्तित्व है उसे स्थापित कर रहा है। और इस विधा में जो मुख्य लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ट में हंस रहा हो और सुनने वाला तिल मिला उठा, फिर भी कहने वाले को उत्तर देना स्वयं को और उपहास्यास्पद बना लेना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्पष्ट किया है। नेक्स्ट हमारा आलोचना जिसे इंग्लिश में क्रिटिसिज्म कहते हैं। क्रिटिसिज्म जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजी का एक शब्द है और उसी से ये आलोचना शब्द निकला है जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन अथवा निर्णय करना। इसमें हम एक परिभाषा लेंगे वर्सफील्ड की। तो उन्होंने कहा है कि आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है, अतः कृति विशेष के रचयिता के व्यक्तित्व के प्रकाश में जब आलोचक उपयुक्त व्याख्या विश्लेषण पूर्वक उस स्तर की अन्य कृतियों में उसके स्थान और महत्व का निर्धारण करता है तब पारिभाषिक शब्दावली में उसे आलोचना की संज्ञा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु या विषय उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्य जो विधा है उसे आलोचना कहा जाता है।
कहा जाता है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। जैसे कि जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जितनी भी साहित्य हिंदी गद्य की जो साहित्य हैं वो ज़्यादातर भारतेंदु युग से ही शुरू मानी जाती है, तो आलोचना भी उसमें से ही एक है। आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह देखना, और व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में पद्धति और प्रणाली का बहुत महत्व होता है। तो ये थी गद्य से संबंधित जो अन्य विधाएँ हैं, और अगले लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।